नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, दुनिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बनेगी उत्तराखंड। आंगनबाड़ी बहनों को दीपावली से पहले मिलेगा शानदार तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चिन्नी और सिद्धू करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। देहरादून में हरीश रावत से भी की मुलाकात। प्रदेश भर में धनतेरस को लेकर सज गए बाजार, खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। महिलाओं में ज्वेलरी की डिमांड को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज। और दीपावली से पहले ही खराब हुई राजधानी देहरादून की आबोहवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार आ रहा है उछाल। दमा और सांस के मरीजों के लिए बड़ा खतरा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चिन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दर्शन करने बाबा केदारनाथ आए हैं। इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव कैंपेन के अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में हरीश रावत भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने केदारनाथ धाम के पुराने स्वरूप के अनुसार ही हकूक धारियों पर और पुजारियों की व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं करने का भरोसा देकर पीएम मोदी के लिए भी सवाल खड़े कर दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के समेकित विकास के लिए 67,86,00,000 की लागत से बनने वाली कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। सीएम ने कुल 65,00,00,000 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आपको बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड आने वाले समय में पूरी दुनिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बनेगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भरोसा दिलाया है कि दीपावली से पहले आंगनबाड़ी बहनों को शानदार तोहफा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी केदारनाथ दौरे पर आ ही नहीं, लेकिन इससे पहले ही राज्य की राजनीति का पारा हाई हो गया है। भाजपाई पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे, जिससे बीजेपी को विधानसभा चुनाव 2022 में मजबूती मिलेगी। लगाव उत्तराखंड से रहा है और मैं समझता हूं कि जो माननीय मोदी जी ने पहला भाषण 2017 में दिया था देहरादून के प्रांगण में, परेड ग्राउंड में, तो उन्होंने कहा था हम डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश को देने जा रहे हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो कर्णप्रयाग तक ट्रेन का मामला हो, या अभी जैसे ही उत्तराखंड के अंदर आपदा आई तो 250 करोड़ का पैकेज हो, इस प्रकार के सारी चीज़ें माननीय मोदी जी लगातार प्रदेश के लिए कर रहे हैं। पौड़ी में जिला पर्यटन विभाग के 4 दिवसीय माउंटेन साइकिलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। 4 दिवसीय माउंटेन साइकिलिंग में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर स्थानीय विधायक मुकेश कोहली ने कहा है कि साहसिक खेलों में माउंटेन बाइकिंग के अपार संभावना है और इसके साथ ही सरकार द्वारा साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश में धनतेरस पर खरीदारी से लेकर बाजार जो है वो सज चुके हैं। बाजार में बताया जा रहा है कि राजधानी देहरादून में ये स्थिति है कि यहाँ पर ग्राहक के लिए इंतजार बाजारों में किया जा रहा है। बता दें कि बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, सपारा और सजावटी सामान का बाजार जो है तैयार हो चुका है। परंपरा निभाने के लिए जमकर खरीदारी होगी। व्यापारियों ने रंग बिरंगे गुब्बारे, झूमर और रंग बिरंगी लाइटों से दुकानों को सजाया है, आकर्षक रूप दिया है दुकानों को। एक दिन पहले ही बाजार में लोगों की काफी भीड़ भी देखने को मिली थी, जिससे कारोबारियों के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं।
दीपावली से पहले दमा और सांस के जो मरीज हैं उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है और ये खबर भी उन्हें के लिए है। दीपावली के त्यौहार पर आतिशबाजी से पहले ही राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी हद तक बढ़ गया है। राजधानी के घंटाघर क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का आंकड़ा पिछले हफ्ते गुरुवार को 159 दर्ज किया गया था, लेकिन शुक्रवार को आंकड़ा बढ़कर 167 पहुंच गया है। हरिद्वार में भी AQI का स्तर बढ़ना शुरू हो चुका है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपावली पर आतिशबाजी के बाद यह आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की 4 चरणों में मॉनिटरिंग की जाती है। 0 से लेकर 50 तक की एयर क्वालिटी इंडेक्स को सेहत के लिए ठीक माना जाता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, दुनिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बनेगी उत्तराखंड, आंगनबाड़ी बहनों को दीपावली से पहले मिलेगा शानदार तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चिन्नी और सिद्धू करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन, देहरादून में हरीश रावत से भी की मुलाकात। प्रदेश भर में धनतेरस को लेकर सज गए बाजार, खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़, महिलाओं में ज्वेलरी की डिमांड को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज। और दीपावली से पहले ही खराब हुई राजधानी देहरादून की आबोहवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार आ रहा है उछाल, दमा और सांस के मरीजों के लिए बड़ा खतरा।